वही नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया। Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Trinity College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you another topic of educational technology, that is Flanders Interaction Analysis Category System, FIACS. Okay, so let's start. हमको बात करनी है फ्लैंडर की इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम की, कि इंटरेक्शन एनालिसिस मतलब कि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है उसका भी विश्लेषण करके ऑब्जेक्टिवली तरीके से देख लिया जाए कि क्या कितना प्रभावी है। तो इसके कई शिक्षाविदों ने बताए हमको, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट ने इसके कई तरीके बताए, जिसमें से फ्लैंडर्स का तरीका बहुत विख्यात है, बहुत पढ़ाया जाता है। तो क्या है इंटरेक्शन एनालिसिस? ये कह रहे हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डीकोडिंग द स्टडी पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पहले हमको इनकोड करना है, कुछ कोड सिस्टम में उसको जॉट डाउन कर लेना है और फिर उसको डीकोड कर लेना है, जिससे हमें पता चल जाए कि स्टडी का पैटर्न क्या है। इन द कोडिंग प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, कैटेगरीज ऑफ क्लासिफाइंग सिस्टम्स आर स्टेटमेंट्स आर एस्टैब्लिश्ड। हम जो क्लासिफाइंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी कैटेगरीज बना लेते हैं, एक कोड सिंबल इज असाइंड टू ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी को हम एक कोड दे देते हैं, एंड ए ट्रेन्ड ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स बाय जॉटिंग डाउन कोड सिंबल्स। और वो ऑब्जर्वर, वो प्रेक्षणकर्ता जो ट्रेन्ड होता है, जिसके पास प्रशिक्षण होता है, वो फट फट जॉट डाउन करके कोड सिंबल से एक क्लास का इंटरेक्शन पैटर्न की कोडिंग कर देता है। और डीकोडिंग स्टेप में क्या करते हैं, वहां में हमको एक एनालिस्ट चाहिए होता है, विश्लेषणकर्ता चाहिए होता है, वो भी ट्रेंड, जो वो क्लास में नहीं गया है लेकिन सिर्फ वो जो जॉट डाउन करके सिंबल्स उसके सामने आए हैं उसको इंटरप्रेट कर लेगा, डिस्प्ले जो कोडेड डेटा है उसको इंटरप्रेट कर देगा और रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल इवेंट्स बेस्ड ऑन द इनकोडेड डेटा, इवन दो दे मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट व्हेन द डेटा वर कलेक्टेड। मतलब एक्चुअली उनको क्लासरूम विजिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको डीकोड करके वो बता देंगे कि एक्चुअल क्लासरूम में क्या हुआ होगा। तो ये है इंटरेक्शन एनालिसिस और हमको फ्लैंडर्स की पढ़नी है। तो नेड ए फ्लैंडर्स ने डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस टू स्टडी व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम व्हेन ए टीचर टीचेस। इन्होंने एक इंटरेक्शन एनालिसिस अंतःक्रिया विश्लेषण की वो प्रक्रिया विकसित की जिसमें वो बता सकते थे, ये स्टडी किया कि क्या होता है क्लास में जब एक टीचर पढ़ाता है। इट इज नोन एज फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। देखिए, आपसे वो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस पूछ सकते हैं, आपसे वो FIACS भी पूछ सकते हैं, कैटेगरी सिस्टम जोड़ के, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी, है ना। फिर फ्लैंडर्स एंड अदर्स डेवलप्ड दिस सिस्टम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा USA बिटवीन 1955 एंड 1960। मतलब 1955 से 1960 के बीच में फ्लैंडर्स और उनके सहयोगियों ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा जो कि USA में है उसमें ये सिस्टम इजाद किया। फ्लैंडर्स सिस्टम इज एन ऑब्जर्वेशनल टूल यूज्ड टू क्लासिफाई द वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड पीपल्स एज दे इंटरैक्ट इन द क्लासरूम। फ्लैंडर का जो सिस्टम है वो एक ऑब्जर्व करने का तरीका है, टूल है, जिससे आप वर्गीकृत कर सकते हैं टीचर्स और पीपल्स, यानी कि शिक्षक और शिष्य के बीच का जो इंटरेक्शन क्लासरूम में हो रहा है, वर्बल बिहेवियर जो बातचीत हो रही है उसको उन्होंने क्लासिफाई किया, नॉन वर्बल बिहेवियर को नहीं लिया है। Flanders interaction was designed for observing only verbal communication in the classroom and non-verbal gestures are not taken into account. और इन्होंने non-verbal gesture को नहीं लिया, सिर्फ verbal communication को लिया है। अब basic theoretical assumptions क्या है, इसके पीछे की मूलभूत मान्यताएं क्या है? पहली ये कि in a normal classroom situation it is verbal communication which is predominant। वो कह रहे हैं कि जब एक नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन होती है तो जो भाषिक संप्रेषण होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो प्रीडोमिनेंट है, वो प्रभावपूर्ण होता है, उसकी महत्ता ज्यादा है। वी कैन नॉर्मली अज्यूम दैट द वर्बल स्टेटमेंट्स ऑफ ए टीचर आर कंसिस्टेंट विद हिज नॉन वर्बल जेस्चर्स एंड हिज टोटल बिहेवियर। वो कह रहे हैं और हम ये मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं कि जो टीचर का वर्बल स्टेटमेंट है वो उसके नॉन वर्बल जेस्चर से मिलता जुलता है, इसलिए नॉन वर्बल को इन्होंने छोड़ दिया। The relationship between students and teachers is a crucial factor in the teaching process. और तीसरी क्या है इसकी, कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप है वो टीचिंग प्रोसेस का एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है। मतलब कि अच्छा रिलेशनशिप होगा तो टीचिंग लर्निंग अच्छी होगी।
Children tend to be conscious of a warm acceptance of the teacher and to express great fondness for the democratic teacher. कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं स्टूडेंट्स की कैसे वार्मली उनको टीचर एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे डेमोक्रेटिक टीचर है तो वो उसको पसंद करते हैं. एंड द रोल ऑफ द क्लासरूम एनवायरमेंट इज क्रूशियल फॉर द लर्निंग प्रोसेस. और जो कक्ष का वातावरण है वो भी सीखने के लिए बहुत जरूरी है. फिर इनका ये जो हमको एक्चुअली याद करना है जिस पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, इन्होंने कहा कि 10 कैटेगरी इन्होंने बताई, उस 10 कैटेगरी को 3 हेड में बांटा है. किस किस हेड में? टीचर जब बोलेगा, जब स्टूडेंट बोलेगा और जब कुछ नहीं होगा, साइलेंस होगा या कंफ्यूजन होगा. तो टीचर टॉक की 7 कैटेगरीज हैं, प्यूपिल टॉक की 2 कैटेगरीज हैं और साइलेंस और कंफ्यूजन की 1 कैटेगरी है. अब जो टीचर टॉक है उसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, इनडायरेक्ट टॉक और डायरेक्ट टॉक. अब इनडायरेक्ट टॉक में हमेशा जरूरी नहीं है कि टीचर बोलता ही है क्लास में, वो कुछ इनडायरेक्टली भी बात करता है. जैसे हमको देखिए ये इसी क्रम में याद करना है कि नंबर 1 पे एक्सेप्ट फीलिंग, ठीक बच्चा कुछ बता रहा है उसको एक्सेप्ट करना. प्रेज और इनकरेजमेंट, स्टूडेंट ने कुछ अच्छा आंसर किया है उसकी बड़ाई करना, प्रशंसा करना. फिर एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज ऑफ प्यूपल्स, बच्चे कुछ नई बात कर रहे हैं उसको यूज करना और स्वीकार करना. और आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना. इसमें वो डायरेक्ट टॉक नहीं कर रहा है, ये सब इनडायरेक्ट टॉक है और आपको क्रमवार ऐसे ही नंबर से याद करना है. अब आया आपका डायरेक्ट टॉक. डायरेक्ट टॉक में 3 काम करता है टीचर इनके हिसाब से. पहला लेक्चर देता है 5 नंबर पे, 6th है गिविंग डायरेक्शंस, उनको कोई डायरेक्शन देगा, और 7वां क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, जब हम उनको आलोचना करते हैं, जब हम अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई करते हैं कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे किया, गलत किया. तो ये 5, 6, 7 ये डायरेक्ट टॉक हो गए. अब प्यूपिल टॉक में 2 ही काम हो सकते हैं, या तो प्यूपिल ने जो आंसर पूछा गया उसको रेस्पॉन्स देगा, प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स 8 नंबर पे, या वो कुछ अपनी तरफ से पूछेगा, प्यूपिल टॉक इनिशिएशन 9 नंबर पे. तो नाइदर टीचर टॉक नॉट प्यूपिल टॉक उन्होंने एक कैटेगरी दी जिसको साइलेंस और पॉज और कंफ्यूजन का नाम दिया है 10 नंबर पे. तो 1 से लेके 10 तक ये कैटेगरी आपको याद करनी है, यही मेन काम है. अब कैसे इन्होंने प्रोसीजर बताया, तो इन्होंने कहा इनकोडिंग करिए. पहले क्या करिए कि आप पहले तो कोड याद कर लीजिए. जब इसको लाइन बाई लाइन पढ़ नहीं रही हूँ, पहले एक ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स बना लीजिए 10x10 की और कोड याद कर लीजिए कि 1 नंबर पे एक्सेप्ट फीलिंग है, 10 नंबर पे साइलेंस कंफ्यूजन है. और क्लास में आप बैठ जाइए और हर 3 सेकेंड पे जो एक्टिविटी हो रही है उसका कोड नोट जॉट डाउन कर लीजिए. और फिर कोई इंटरेक्शन जो एनालिस्ट है वो उस कोड को डी कोड कर देगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ क्लास में कितनी बार टीचर ने बात की, कितनी बार स्टूडेंट ने पूछा, कितनी बार रिस्पॉन्स दिया, कितनी बार इनकरेजमेंट हुआ, कितनी बार जस्टिफाई क्रिटिसाइज किया. इसका एक चित्र उपस्थित हो जाएगा कि एक्चुअली कक्षा कक्ष में क्लासरूम में क्या हुआ. और इंटरप्रेटिंग द मैट्रिक्स, जब हम इसको मैट्रिक्स को इंटरप्रेट करते हैं तो हम निकालते हैं कि टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक और साइलेंस का प्रोपोर्शन क्या था. ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ टीचर ही बात कर रहा था या प्यूपिल ही बात कर रहा था या साइलेंस ही बना हुआ था क्लास में, है ना. और रेशियो बिटवीन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, ऐसा तो नहीं था कि टीचर केवल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनडायरेक्ट नहीं कर रहा है, या इनडायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा है. मतलब सब कुछ प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. और पॉजिटिव और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट के बीच का रेशियो, और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन का रेशियो कि स्टूडेंट किस हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहा है. तो ये है आपकी फ्लैंडर्स इंटरेक्शन कैटेगरी, इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम. इसको याद करना, फिर इसकी मैट्रिक्स देखिए, वो बहुत क्लिष्ट है. मतलब आपके आपको सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़नी, प्रैक्टिकल करना नहीं है क्लास में जाके, नहीं तो वो 10x10 की मैट्रिक्स बनती है. जब आप जॉट डाउन कर लेते हैं तो आगे पीछे 10-10 नंबर जोड़ते हैं, उनका पेयर बनाते हैं, ये सब कुछ है. ठीक है, तो थ्योरी के लिए इतना बहुत है आपके लिए. सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आई हैव कंप्लीटेड फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस. ओके, थैंक यू.